जाएंगे क्योंकि मैंने ये सब कुछ पिक किया है सेल में, क्योंकि स्टार्ट हो रही है सेल अमेज़न पे जो कि है प्राइम डे सेल। ओनली 2 डेज है गाइज ये वाली सेल, 26 एंड 27, यानी कि आज और कल। तो अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं इस सेल में पिक कर सकते हैं। एंड आज का जो पूरा कलेक्शन है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, सेलेक्टिव पीस है एंड सारा जो कलेक्शन है फेस्टिव कलेक्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड इन सबको परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिंपल लिंक मिल जाएगा माय हॉल स्टोर के नाम से, जस्ट आपको उस पर टैप करना है और आज का पूरा कलेक्शन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से उसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सी फेस्टिव स्पेशल साड़ी, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाली है, तीज आने वाली है और गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वाली साड़ी सेलेक्ट की है, क्योंकि ये साड़ी ऐसी है कि बहुत ही ज्यादा डिजाइनर है, प्लस समर्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि पूरे दिन भर साड़ी को कैरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये वाली साड़ी है ना अभी काफी ज्यादा ट्रेंडी है, तो मैंने सोचा इसे पिक करके देखते हूँ कैसी आती है। एंड रियली बहुत ज्यादा अमेजिंग आई है, जैसा पिक्चर में दिखाया था एज इट इज आपको ऐसी साड़ी देखने को मिल जाएगी। और इसका जो फैब्रिक है ओरेगंजा सिल्क फैब्रिक है, जिस वजह से ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, पूरे दिन भर आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो। कलर है वो भी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है, मरून कलर में आपको ये देखने को मिलेगी। पूरी साड़ी आपको प्लेन देखने को मिल जाएगी, बस इस साड़ी में ओनली बॉर्डर है। एंड इस तरीके की साड़ियां अभी काफी ज्यादा ट्रेंडी है, स्पेशली ये वाली साड़ी, इतना सा जो पार्ट है वो आपको प्लेन मिलेगा, जब आप ड्रैप करोगे अंदर की साइड आएगा, बाकी पूरी साड़ी पे ना आपको इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। ये सीक्वेंस के रोजेस बनाए हुए हैं, फ्लावर्स बनाए हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। 5.5 मीटर की ओरेंज सेट की साड़ी है, बहुत ही अमेजिंग लुक आएगा पहनने के बाद। एंड डिजाइनर है, पार्टी वेयर साड़ी है, आप किसी भी फेस्टिवल में तो कैरी कर ही सकते हैं, लेकिन पार्टीज वगैरह के अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है, लाइट वेट है, क्लासी है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। और ये है इसका आंचल, जिसमें आपको चारों तरफ बॉर्डर देखने को मिल जाएगा सेम, फुल लुक आप पूरा साइड पे देखना काफी ज्यादा अच्छा आएगा, फैब्रिक क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, प्लस प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा वर्थ इट लगी। एंड सबसे अच्छी बात लगी लाइट वेट है, तो उस अकॉर्डिंग बेस्ट लगी ये वाली साड़ी। और इसमें आपको मुझे इस तरीके का डिजाइनर सा ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, एंड जब आप इसे स्टिच कराओगे लुक काफी ज्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि साड़ी प्लेन भी है, ओनली बॉर्डर है, तो ब्लाउज आपको कुछ हैवी इन्होंने दिया हुआ है, इस तरीके का फ्रंट आपको ब्लाउज में देखने को मिल जाएगा, पूरा जो है रोजेस बनाए हुए हैं, सिक्वेंस से हैवी ब्लाउज है, जब आप इसे स्टिच कराओगे लुक काफी ज्यादा अच्छा आएगा। और ये स्लीव्स के लिए दिया हुआ है, प्लस बैक के लिए इन्होंने प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है, तो टोटल मिला के फैब्रिक है 90 सेंटीमीटर, तो अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल साइज में हो तो भी आपके इजीली आ जाएगा। तो ये है जो फर्स्ट साड़ी मैंने पिक की है, जो कि मुझे काफी ज्यादा ट्रेंडी है, क्लासी लग रही थी अमेजोन पे, एंड देखते ही मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। नेक्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी है ओरेगंजा सिल्क फैब्रिक में, एंड काफी क्लासी है ये वाली साड़ी भी। एंड मैंने प्रेफर करती हूँ यार कि साड़ी अच्छी तो हो लेकिन कंफर्टेबल हो पहनने के बाद, क्योंकि समर्स में बहुत ही लाइट वेट साड़ी सही रहती है पहनना, नहीं तो बहुत ही ऑकवर्ड सा फील होता है खुद को भी, सामने वाले को भी। अगर आप फुल हैवी साड़ी पहन लो, भरी हुई वर्क की साड़ी जब पहनते हो बहुत ही अजीब सा फील होने लग जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वाली साड़ी भी समर्स के लिए पिक की है, जो कि इस तीज में, इस रक्षाबंधन में बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी, प्लस अगर आप किसी पार्टी वगैरह में भी कैरी करते हो काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। एंड इसकी रेटिंग काफी ज्यादा अच्छी थी अमेजोन पे, तो मैंने सोचा पिक करके देखते हैं। सबसे अच्छी बात है मल्टी कलर साड़ी है, जो कि मुझे मल्टी कलर साड़ियां है ना काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि किसी भी फंक्शन में आप इन्हें पहन लो बहुत ही स्मार्ट लुक आता है, प्लस फ्रेश लुक आता है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। ये साड़ी भी आपको पूरी ओरेगंजा सिल्क की साड़ी मिलेगी, प्लेन साड़ी है, बस आपको इस तरीके की लेस देखने को मिल जाएगी चारों तरफ, फुल लुक आप साइड पे देखना काफी ज्यादा अच्छा आएगा। पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है, फैब्रिक क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है एंड काफी अमेजिंग लगेगी पहनने के बाद, तो इस तरीके की पूरी ये साड़ी है 5.5 मीटर की, एंड लाइट वेट है पूरी साड़ी, नीचे की साइड आपको इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, बस इतना सा जो पार्ट है इन्होंने प्लेन दिया है, जब आप ड्रैप करोगे अंदर की साइड आएगा। ब्लाउज इन्होंने रखा है वो कंट्रास्ट में ब्लाउज इन्होंने रखा है, इसमें आपको फुल सिक्वेंस ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, इस तरीके का गोल्डन छोटे छोटे सिक्वेंस वाला ब्लाउज है, 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज का फैब्रिक दिया हुआ है, जब आप इसे स्टिच कराओगे ना लुक काफी ज्यादा अच्छा आएगा। एंड ये वाली साड़ी के साथ ये वाला ब्लाउज काफी ज्यादा अमेजिंग लगने वाला है, स्लीवलेस इसे स्टिच करा सकते हो, स्लीव्स के साथ इसे स्टिच करा सकते हो, जैसे भी कराना चाहो करा सकते हो, काफी अच्छा वाला लुक आएगा। तो ये है जो नेक्स्ट साड़ी मैंने पिक की है, जो कि मुझे अमेजोन पे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी एंड काफी ज्यादा क्लासी लग रही थी। तो अब आते हैं ज्वेलरी की तरफ, ज्वेलरी में मैंने सबसे पहले मैंने सोचा यार मुझे पिक करना है
बैंगल्स। इन बैंगल्स आपके पास मल्टी कलर बैंगल्स होने ही चाहिए। तो जब मैंने अमेजोन पे इन बैंगल्स को देखा, जिसकी पिक्चर आपको साइड में क्लियर हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे। प्लस ऐसे हैं ये वाले बैंगल्स जैसे आप सीरियल में देखते हो ना, तो जब वो एक्ट्रेस पहनती है तो उस टाइप के हैं ये वाले बैंगल्स सीरियल वाले। मुझे कुछ इस तरीके के बैंगल्स चाहिए थे जो कि सभी साड़ियों के साथ इजीली चले जाए एंड लाइट वेट हो, ज़्यादा सोचना नहीं पड़े। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वाले बैंगल्स परचेज किए, पर मुझे बॉक्स वैसा नहीं मिला है। आप पिक्चर में देखोगे पिंक कलर का बॉक्स है एंड वो भी कोई मतलब प्लास्टिक का बॉक्स उन्होंने नहीं दिया था, नॉर्मल ही बॉक्स था, कार्डबोर्ड का ही। बैंगल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, कलर इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड लुक एट दिस का काफ़ी सुंदर है। एंड मैं आपको खोल के बताती हूँ एक बार। एक तो कलर सारे आ गए इसमें, मुझे नहीं लगता इनके अलावा कोई कलर्स की नीड होती होगी, पर बहुत ही अच्छे कलर थे इसके सारे जो कलर थे। सबसे अच्छी बात है मेटल के हैं तो टूटने वगैरह का डर नहीं है, आराम से इजीली कैरी कर सकते हो। एंड इसके ऊपर आप देखोगी ना, एक वैसी वाली शाइनिंग नहीं है, तो मुझे वो शाइन वाले जो बैंगल्स होते हैं बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसमें आपको मैश देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड ये जो पूरे बैंगल्स है, ये 24 का सेट है, ये 24 का सेट है, यानी कि एक हाथ में आप 12-12 ईजिली पहन सकते हो। एंड मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, लाइट वेट लगे, कलर्स बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं इसके एंड मैट फिनिश में है तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी साड़ी लहंगे के ऊपर ईजिली कैरी कर सकते हो, लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसमें आपको साइज भी मिल जाएगी, मेरा साइज है इसमें 2-6, इसमें आपको 2-4, 2-8 सारे साइज अमेजोन पे अवेलेबल है, तो आप परचेज कर सकते हो। प्लस मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा वर्थ इट लगा। एंड कुछ इस टाइप के बैंगल्स यार मैं काफी टाइम से ढूंढ ही रही थी कि मिल जाए कहीं पे, लेकिन वो शाइनिंग वाले बैंगल्स मुझे अच्छे नहीं लगते। फाइनली मुझे मैट फिनिश में मिल रहे हैं जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। एक बार आप फुल लुक साइड में देख लेना। तो इस तरीके के पैक मिले हैं मुझे, 6 पैक मिले हैं। तो एक में वो स्काई ब्लू एंड पिंक कलर है, इसमें आपको रेड एंड ग्रीन कलर देखने को मिल जाएगा, इसमें ऑरेंज एंड येलो कलर है, ये बेबी पिंक एंड बिल्कुल लाइट वाला जो ग्रीन कलर होता है वो है, एंड ये ब्लू एंड बेज कलर है, मतलब जो कॉमन कलर है वो सारे जो है कवर हो गए हैं। एंड इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ कलर्स पिक करने की या फिर पहनने की जरूरत पड़ती होगी, चल जाएंगे ये सभी में इजीली। तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुपर्ब है, लाइट वेट है एंड किसी भी फंक्शन वगैरह के अकॉर्डिंग तो बेस्ट है ही, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो ये है जो नेक्स्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और मैंने अमेजोन से इस बार ले लिया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख ही रही थी कुछ ऐसा मिल जाए, फाइनली मुझे मिल गया है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो देखना पड़ेगा क्या है। ओके, तो वो इस तरीके का आपको सेट देखने को मिल जाएगा फ्रॉम दी ब्रांड जवेरी पर्ल। एंड जवेरी पर्ल के मैं आपके साथ काफ़ी सारे रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, मुझे क्वालिटी को लेके अभी तक कोई भी इशू नहीं हुआ है। तो मैं ट्राई करती हूँ इसी ब्रांड्स का ज़्यादा से ज़्यादा लेने का, एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, प्लस अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाता है। तो ये कुछ इस तरीके का आपको सेट देखने को मिल जाएगा, एक बार आप फुल लुक देख लेना कैसा आता है। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्लासिक सा लगा, इसमें वो कलर ऑप्शन काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। एंड कुछ इस तरीके का है ये वाला सेट जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एंड यहाँ पे आपको इस तरीके के जो है स्टोन देखने को मिल जाएंगे। एंड किसी भी साड़ी लहंगे एथनिक वेयर के ऊपर इजीली कैरी कर सकते हो, प्लस लाइट वेट है और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश रखते हैं इस तरीके के सेट। मुझे ज़्यादा हैवी वगैरह पसंद नहीं है, पर इस तरीके के जो लाइट वेट सेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं, लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। एंड इसमें आपको इस तरीके के छोटे छोटे से इयर रिंग्स देखने को मिल जाएंगे, प्लस इसमें आपको रिंग भी दी गई है जो कि एडजस्टेबल है। मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लग रहा था ये वाला सेट, प्लस कलर मैंने इसमें गोल्डन लिया क्योंकि ये ईजिली सभी के साथ चले जाएगा। वैसे कलर ऑप्शन इसमें वो काफ़ी सारे अमेजोन पर मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करना। तो ये है जो नेक्स्ट सेट मैंने पिक किया है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से है ना देख रही थी कि मैं हैंडमेड ज्वेलरी पिक करूँ, क्योंकि ऐसे जो ज्वेलरी है स्टोन वाली है या फिर कुंदन की है तो मेरे पास काफ़ी सारी हो गई है, लेकिन हैंडमेड का अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है हैंडमेड ज्वेलरी, एंड काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी लगती है यार, बिल्कुल रॉयल लुक आता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जब अमेजोन पे हैंडमेड ज्वेलरी सर्च की तो मुझे ये 2-3 ज्वेलरी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एक दो तो नेक पीस है एंड एक जो है इयर रिंग्स मैंने पिक की है। तो ये कुछ इस तरीके के बॉक्स वगैरह में नहीं मिले हैं, ऑनली बबल रैप में आए हैं। एंड कुछ इस तरीके की आपको ये वाली जो है नेक पीस देखने को मिलेगी। लुक एट दिस ना, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। और सबसे अच्छी बात है जितने भी आप हैंडमेड ज्वेलरी लोगे ना बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होगी, क्योंकि इनमें पीछे की साइड क्या है क्लोथ लगा हुआ होता है, कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड बहुत जल्दी रैशेज होने लग जाते हैं, पर ये हैंडमेड ज्वेलरी ऐसी है आप इसे पूरे दिन भर ईजिली कैरी कर सकते हो क्योंकि इसमें पीछे की
स्पेंडर क्लोथ लगा हुआ होता है एंड ये कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी। एक तो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लुक लगा इसका, काफी ट्रेंडी है एंड काफी क्लासी लुक है। यहाँ पे आपको बीट्स देखने को मिल जाएंगे, प्लस ये जो मिरर्स लगाए हुए हैं, फुल लुक आप एक बार देखना, काफी ज्यादा स्मार्ट आएगा, एडजस्टेबल है और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। आपको पहनने के बाद ये भी पता नहीं चलेगा आपने कुछ पहना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड इसकी ईयरिंग्स भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, थोड़ी हैंडमेड ज्वेलरी जब आप देखोगे थोड़ी सी कॉस्टली आती है कंपेयर टू अदर ज्वेलरी, जैसे आप नॉर्मल ज्वेलरी लेते हो तो उसके कंपेयर में थोड़ी सी कॉस्टली आती है क्योंकि ये हैंडमेड होती है, लाइट वेट होती है, प्लस डिजाइन से ना थोड़े से यूनिक होते हैं। अगर आप ओनली इयररिंग्स भी देखते हो तो 400-500 के आसपास आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे प्राइस है ना वर्थ इट लगे। ये नहीं कि यार बहुत ज्यादा कॉस्टली है, कुछ इस तरीके की इयररिंग्स देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ही सुंदर से मल्टी कलर के इयररिंग्स हैं। और ये जो मिरर्स इसमें यूज किए गए हैं चौकड़ में और इयररिंग्स में, सारे जो है रियल मिरर्स हैं और काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड काफी अमेजिंग लगेंगे पहनने के बाद। लुक आप एक बार पूरा देखना, काफी ज्यादा अच्छा आएगा। एंड ये ओनली इयररिंग्स अगर आप लेते हो ना तो भी 500 रुपीज के आसपास मिलता है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे ये वाला सेट बिल्कुल प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट लगा। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब नेक्स्ट में जब ये देख रही थी तो मुझे एक और वहां पे दिखी जो कि मुझे काफी ज्यादा यूनिक नेकलेस लग रहा था। इसमें आपको इयररिंग्स नहीं मिलेगी, ओनली नेकलेस देखने को मिलेगा और ये काफी ज्यादा स्टाइलिश है। के बाद आपको कुछ और पहनने की नीड नहीं होगी, ये आपके लुक को एकदम से इनहेंस कर देगा एंड काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। एक तो ये पूरा व्हाइट कलर में एंड मुझे व्हाइट कलर का लेना ही था, मैं सोच ही रही थी यार व्हाइट कलर में कुछ लूँ क्योंकि व्हाइट कलर का मेरे पास एक तो बहुत ही ज्यादा कम है, प्लस मैं चाहती थी हैंडमेड में कुछ लूँ, तो फाइनली मुझे मिल गया जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, एडजस्टेबल है एंड लुक एट दिस ना, ये जो पूरे आप देख रहे हो ना ये बीट्स लगाए हुए हैं प्लस ये जो मिरर्स लगाए हुए हैं काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। एक बार आप फुल लुक देखना, काफी ज्यादा अच्छा आएगा एंड ये वेस्टर्न के साथ भी इजीली चले जाएगा, किसी भी कुर्ती वगैरह के साथ, फलमकारी कुर्ती के साथ इस तरीके के सेट है, काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। कॉटन कुर्ती के साथ काफी अच्छे से जाती है, सिल्वर ज्वेलरी और इस तरीके की हैंडमेड ज्वेलरी क्या था वहाँ पे एक दो पीस ही अवेलेबल थे, तो अगर आप देख लेना, अगर इन स्टॉक को डेफिनेटली बाय करना, बहुत ही सुंदर पीस है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है फ्रॉम दी ब्रांड जवेरी पर्ल्स अगेन एंड ये है एक रिंग जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है एंड ये काफी टाइम से देख रही थी पर मैंने पिक नहीं की, कभी ली नहीं, तो फाइनली मैंने ले ली है। ये एक अच्छी सी इस तरीके की आपको ग्रीन कलर की एडजस्टेबल रिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे जो पूरे स्टोन लगाए हुए हैं, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा वर्थ इट लग रही थी एंड ऐसा नहीं है बहुत ही ज्यादा न्यू डिजाइन है या फिर लेटेस्ट है, आप देखोगे काफी टाइम से अमेजोन पे अवेलेबल है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है अगेन फ्रॉम दी ब्रांड जवेरी पर्ल एंड ये वाले इयर रिंग यार काफी ज्यादा खूबसूरत है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी इन इयर रिंग्स को क्योंकि जो इनका पैटर्न है ना, जो इनका डिजाइन है वो काफी अच्छा है, ये मोर वाला डिजाइन देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस ना, काफी सुंदर झुमके हैं ये वाले एंड बहुत ही अच्छी सी जो है इस पे मीनाकारी की हुई है, स्टोन लगाए हुए हैं, कुंदन लगाए हुए हैं एंड ये जो मोर वाला डिजाइन है ना बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। एक बार आप फुल लुक देख लेना आपको क्लियर हो जाएगा, प्लस जो कलर है वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड मुझे इस तरीके के जो है यूनिक कलेक्शन काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं एंड बहुत ही अच्छे लगेगा। ये भी अपने आप में एक स्टेटमेंट पीस है इयररिंग्स, तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, काफी ज्यादा स्मार्ट लगेगा, ऊपर काफी अच्छे से जाएगा, चाहे वो लहंगा हो, साड़ी हो, कुर्तीज हो, बहुत ही स्मार्ट लगेगा पीस। प्लस सबसे अच्छी बात है इतने ज्यादा हैवी नहीं है, मतलब ये नहीं कहूंगी बिल्कुल ही लाइट वेट है लेकिन उतने भी ज्यादा हैवी नहीं है, आप इजीली पूरे दिन कैरी कर सकते हो। तो अब जो मैंने नेक्स्ट पिक किया है वो है हैंडमेड इयररिंग्स एंड सभी के पास होंगे, काफी ज्यादा ट्रेंडी है ये वाले इयररिंग्स, व्हाइट कलर लेना था तो मैंने पिक कर लिया एंड इस तरीके के बॉक्स में मिला है एंड बहुत ही सुंदर से आपको ये इयररिंग्स देखने को मिल जाएंगे, लाइट वेट है एंड काफी ज्यादा स्टाइलिश है, अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है तो मुझे उस अकॉर्डिंग चाहिए थी तो मैंने पिक कर लिए। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है यार मुझे काफी टाइम से रिक्वायरमेंट थी इनकी, क्योंकि चाहे आप लहंगा पहनते हो चाहे साड़ी, तो कई बार आप जूड़ा बनाते हो तो जूड़ा बनाने के बाद यार ऊपर से गजरा लगाना पड़ता है, तो मैंने ये दो गजरा पिक किए हैं, एक तो व्हाइट कलर में, एक ये वाला रेड कलर में। मल्टी कलर वाला मैंने नहीं किया क्योंकि वो मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था एंड इनकी रेटिंग भी काफी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए ये दो आपको देखने को मिल जाते हैं एंड काफी ज्यादा अच्छे हैं ये वाले, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, प्लस बहुत ही अच्छा है, सुंदर से है, तो मुझे उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं। इजीली आप यहाँ पे आपको हुक दिया हुआ है, इजीली आप इन्हें टाई अप कर सकते हो, तो ये काफी अमेजिंग से लग रहे थे मुझे, तो मैंने दो का सेट है जो पिक कर लिया। नेक्स्ट और लास्ट मैंने पिक किया है वो है ये खूबसूरत से इयररिंग्स, नेशनल इयररिंग्स है एंड
काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। लुक एट दिस ना, ये आपको कुछ इस तरीके के इसमें जो है स्टोन लगाए हुए हैं, कुंदन लगाए हुए हैं। एक तो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड बिल्कुल सिंपल एंड सोबर है, एंड इस तरीके के पीस काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, साड़ी वगैरह के साथ काफी अच्छे से जाते हैं एंड बहुत ही ज्यादा रिच लुक आता है। तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, सिंपल है लेकिन स्टाइलिश है। तो अगर आप लेना चाहते हो ये वाली भी ले सकते हो, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है प्लस लाइट वेट है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। तो गाइस ये था आज का मेरा Amazon से कलेक्शन, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो सभी के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हो एंड सभी की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, डेफिनेटली बाय करना। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए एंड आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं हो। एंड कमेंट करके बताना आपको आज की कलेक्शन में से सबसे अच्छा आउटफिट या फिर सबसे अच्छी ज्वेलरी कौन सी लगी, एंड मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज कमेंट करिए। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।